इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। सबसे पहले देशवासियों को, माताओं बहनों को, छठ व्रत जो रखे हैं उन सभी को छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया उन सब की कामनाएं पूर्ण करें, ऐसी छठ मैया से प्रार्थना करता हूं। बॉम्बे में भी बहुत धूमधाम से मनाना शुरू हो गया है। मुंबई में भी गत कई वर्षों से छठ मैया का पूजन जुहू में पहले बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था और 2012 से हमने यहाँ पर जो है आक्सा बीच पर यहाँ पर जो सबर्बन में रहते हैं उन भाइयों बहनों के लिए, उन परिवारों को जो कि गांव नहीं जा पाते हैं, जहाँ आप सभी जानते हैं कि जब छठ पूजन का दिवस आता है तो उसके पहले बहुत सारे अपने माताएं बहनें गांव चली जाती थी। ज़्यादातर लोग तो गांव में जाकर मनाते छठ पूजा, लेकिन जो नहीं जा पाते उनके लिए यहाँ पर हम लोग सुविधा करते हैं। 2012 में हम लोग ने यहाँ पर शुरुआत की। पहले हम लोगों ने यहाँ पर चाय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था 2-3 साल करी, बाद में जब देखा कि रोज हर साल गर्दी बढ़ते जा रही है तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी 2015 से हम लोग ने शुरू किया और इसमें कई लोग आते हैं जो यहाँ लोकल है, वापस चले भी जाते हैं, लेकिन जो दहीसर और वहाँ और आगे से आते हैं वो लोग यहाँ रुकते भी हैं, तो उनके लिए पूरी रात चाय पानी की व्यवस्था और जो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ में छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए दूध बिस्किट की व्यवस्था हम लोग अपने प्रयास फाउंडेशन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हैं। जैसे देखा गया है कि काफ़ी पार्टी के बैनर लगे हुए, तो बीजेपी ने क्या स्पेशली इंतजाम, सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी क्राउड है, तो किस तरह का कुछ बताएंगे सर इसके बारे में? देखिए, इसमें क्या है, एक तो पहली बात आप समझो कि जो ये हिंदू त्यौहार अपने होते हैं ये तो व्रत का त्यौहार है। इसमें व्रत में महिलाएं अपना व्रत रखती हैं और नीरा जल रहती हैं, किस पिछले 3 दिन से ये चल रहा है और आज के दिन में व्रत रखा हुआ है, कल सुबह जब अर्घ देगी तब वो व्रत छोड़ेंगी। तो सब अपनी सद्भावना से, अच्छी भावना से लोग काम करते हैं, इसलिए मैं करीब 10 साल से जब देख रहा हूँ तो ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि भावुक जो भाविक हैं, जो व्रती हैं, वो अपना पूजन में रहते हैं और उनके साथ में जो परिवार रहता है उनकी व्यवस्था, जो लोग भी यहाँ मंच लगाते हैं, जो लोग भी काम करते हैं, वो उसी भावना से करते हैं कि हम सुविधा दें लोगों को, तो सुविधा देने के उद्देश्य से करते हैं, ना कि कोई अपना झंडा ऊंचा करना है या अपना कोई
ये करना, ऐसी भावना जो भी लगाते हैं यहाँ पर उनका कोई ऐसा भावना नहीं रहता है, इसलिए आपस में कोई क्लैश वाला काम नहीं रहता है कि कोई आपको अव्यवस्था दिखेगी। महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? अभी तो छठ मैया का व्रत है, उसके बारे में आप छठ मैया से आशीर्वाद मांगिए कि महाराष्ट्र और तेज़ी से प्रगति करे। अभी तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई है, तो जाहिर सी बात है छठ मैया का आशीर्वाद है ही, इसीलिए आई है और अब प्रगति करेगी जोर से। कौन सी वाली शिवसेना? असली वाली शिवसेना तो भी है हमारे साथ में। देखिए आप देखोगे ना तो अपनी भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की सरकार ने चाहे जहाँ से पूरे हिंदुस्तान से कम 124 या उससे ज्यादा ट्रेनें चलाई, जो खासकर बिहार झारखंड के लिए, बिहार झारखंड के लिए 124 ट्रेनें चलाई, जो जिससे कि लोग अपने गांव भी जाकर छठ मैया का पूजन कर सके। जो नहीं जा पाए, जैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अक्सा बीच में हो रहा है, आप थोड़ा आगे जाओगे तो मढ़ में भी है, वहाँ पे भी हम लोग की व्यवस्था है चाय पानी की और चेंजिंग रूम की। पीछे दहिसर में है, दहिसर में भी अपने कार्यकर्ता हैं जो लोकल वहाँ के, वो लोग करते हैं। कहीं कहीं तालाब जहाँ बड़ा रहता है वहाँ पर भी किया जाता है। तो लोग स्वयंसेवी संस्थाएँ भी बहुत हैं जो जुड़कर हमारे साथ में काम करती हैं और अच्छी व्यवस्था जितनी कर सकते हैं उतना करते हैं। शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका विरोध हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी नहीं, वो महाराष्ट्र में विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि संजय निरुपम ने उसको पॉलिटिसाइज करने का ट्राई किया था जुहू में जब फर्स्ट टाइम किया था। इस यहाँ पर महाराष्ट्र में आप कोई भी चीज़, आप देखो पूरी दुनिया यहाँ बसती है, मिनी इंडिया महाराष्ट्र मुंबई को आप कह सकते हो, तो यहाँ कोई त्यौहार जो जिसको जो मनाना है मनाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन उसको आप पॉलिटिसाइज करोगे, पॉलिटिसाइज यानी क्या कि मैं ही इसका वाली हूँ ऐसा बोलोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो संजय निरुपम ने उसको थोड़ा सा अलग रूप देने का कोशिश किया था, इसलिए वो विवाद हुआ था। कोई संजय निरुपम ने शुरू किया तब से हो रहा ऐसा नहीं है, जब से छठ मैया का व्रत तो सदियों से शुरू है, जब से जहाँ जहाँ लोग रहते हैं अपना पूजन करते ही। यूपी और बिहार की ज़्यादा